दोस्तों, ठंडियों का सीजन आ रहा है और इस सीजन में अपने यूपी और बिहार में एक डिश बहुत मशहूर है और वो जो हर टाइम बनाई जाती है, और वो है बाटी चोखा। तो चलिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि बाटी चोखा किस तरीके से यूपी और बिहार में बनाया जाता है। दोस्तों, ये रेसिपी जिस तरीके से बनाई गई है इस वीडियो में, सेम उसी तरीके से आप फॉलो करते जाइए, आपकी बाटी चोखे की रेसिपी जो है वो कम टाइम में और बहुत ही अच्छी तरीके से बन जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं जो कि फिलिंग में हमारे काम आते हैं। ये पचफोरन मैंने ले लिया है, करीब 1.5 टीस्पून है। ये पचफोरन की जो रेसिपी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से भून लेना है थोड़ा सा नमक डाल के। दोस्तों, एक और बात ये है कि इसमें जो पचफोरन में जो मार्केट से खरीदते हैं उसमें मेथी दाने जो हैं वो ज़्यादा पड़े रहते हैं, तो इस रेसिपी में मेथी दाने हम लोग कम यूज़ करेंगे, क्योंकि मेथी दाने जो है वो रेसिपी को कड़वा बना देता है। अगर 1 टीस्पून बाकी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो इसको कम से कम आधा या आधा से कम टीस्पून यूज़ कर सकते हैं। अभी हम चोखे बनाने की तैयारी कर लेंगे। उसके लिए मैंने बैगन लिए हैं और 3 टमाटर लिए हैं। बैगन को बीच से काट लेना है और उसमें छेद कर लेना है। इसको हम तवे पे रख के भी भून सकते हैं या डायरेक्ट आग पे रख के भून सकते हैं, जैसे भी आपको सुविधा लगे वैसे आप कर सकते हैं। अभी इसको ढक देंगे। मैंने करीब यहाँ पे 5 से 6 आलू लिए हैं। इसको मैंने ओवन में पकाया है, आप डायरेक्टली कुकर में भी पका सकते हैं या फिर उबले हुए भी आलू ले सकते हैं, बट भुने हुए आलू का जो स्वाद होता है ना, वो चोखे में जान डाल देता है। मेरे पास OTG है तो इसको मैंने 300 डिग्री सेल्सियस पे बेक किया है। कम से कम ये आपको पकने में 15 से 20 मिनट लगेगा। टाइम कम या ज़्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग कि आप जो आलू ले रहे हैं वो उसका साइज़ क्या है। अभी जो हमने रखे थे बैगन और टमाटर, उसको एक बार देख लेंगे कि उसकी स्थिति क्या है, उसको बीच में एक बार पलट लेंगे, एक बार आलू चेक कर लेंगे कि हो गया है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो थोड़ी देर और पका लेंगे। भुने हुए पचफोरन को अभी हम दरदरा पीस लेंगे। सत्तू की फिलिंग बनाने के लिए हमको चाहिए अदरक 1 से 1.5 इंच, इसको मैंने कूट लिया है। मिर्ची 4 से 5, कुछ धनिया के पत्ते, 1 नींबू, इसमें मैंने आधा दिखाया है लेकिन आधा मैंने बाद में भी डाला था। 2 छोटे प्याज, इसको मैंने बारीक काट लिया है। मिर्च का अचार, दोस्तों मिर्च के अचार के अलावा आप आम का भी अचार ले सकते हैं जो भी घर में अवेलेबल हो। और करीब 10 कलियां लहसुन के, इसको बारीक काट लेना है। अभी हम 1 कप सत्तू लेंगे। मार्केट में जो भुने हुए चने मिलते हैं उसको मैंने पीस लिया है। मार्केट में जो सत्तू के पैकेट मिलते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट मार्केट में जो अवेलेबल सत्तू होते हैं वो महीन पीसे होते हैं, तो उसका टेक्सचर मुझे पसंद नहीं आता है, इसलिए मैं घर का ही यूज़ करता हूँ। उसमें जब पचफोरन हमने पीसा था उसको डाल देंगे। इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, हरे धनिया, अचार, नींबू। इसमें डालेंगे कम से कम 2 टेबलस्पून सरसों का तेल, नमक स्वाद अनुसार या 1 टीस्पून। दोस्तों, ये सारी सामग्री को हम मिला लेंगे। और ये चेक करेंगे कि ये जो फिलिंग है वो बाइंड होना चाहिए। अगर बाइंड नहीं हो रहा है तो इसमें थोड़ा सा और तेल डाल सकते हैं आप। फिलिंग अगर सूखी रहेगी तो ये खाते वक्त गले में चिपकती है। ये हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। अब हम आटा गूंथेंगे।
आटा करीब 2.5 से 3 कटोरी के अप्रॉक्स लेना है और इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंथेंगे। जो आटा है हमारा वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए और बहुत हार्ड भी नहीं होना चाहिए, आटा हमको सेमी हार्ड गूंथना है। आटा जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूंथा गया है। अब हम एक बार चेक कर लेंगे कि आलू जो हमने बेक करने के लिए रखा था या भुनने के लिए रखा था वो हो गया है कि नहीं। आलू हमारा अभी परफेक्ट हो गया है, अभी हम आलू को छील लेंगे। अभी हम चेक कर लेंगे कि हमारा बैंगन और टमाटर जो भुनने के लिए रखा था वो हो गया है कि नहीं। दोस्तों जो बैंगन और टमाटर है उसको हम एक बार के लिए ढक के रख देंगे। इससे क्या होता है कि बैंगन और टमाटर जो है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हम अब बाटी बनाना शुरू करेंगे। बाटी बनाने के लिए कुछ इस तरीके से सॉफ्ट बॉल बनाएंगे। और उसको एक कटोरी की तरह बना लेंगे। अभी इसमें हम फिलिंग डालेंगे। और दोस्तों जो बाटी क्लोज करने का तरीका है, जो बनाने का तरीका है, वो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे फिलिंग को अंदर की तरफ दबाना है और आउटर लेयर को क्लोज करते जाना है। कुछ इस तरीके से दबाते जाना है और क्लोज करते जाना है, दबाते जाना है और क्लोज करते जाना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, हल्के हाथों से सब करना है। और उसके बाद जो आखिरी में जो बच जाता है उसको तोड़ के मुलायम कर देना है और गोल शेप दे देना है। तो लीजिए, तैयार है। दोस्तों आसान है, एक दो बार आप ट्राई करेंगे तो बन जाएगा। इसी तरीके से बाकी आटे का भी हम बाटी बना लेंगे। और उसको अब हम सेकने के लिए ओवन में रखेंगे। दोस्तों हम चाहें तो इसको कुकर में भी सेक सकते हैं। कुकर में इसको डायरेक्ट रख देना है और कुकर का ढक्कन बंद कर देना है, उसमें भी पक जाता है। बाटी तंदूर में भी बनती है, जो स्टोव वाली तंदूर रहती है उसमें भी बहुत अच्छी बनती है। अभी हम चोखा तैयार करेंगे, जब तक कि हमारा बाटी पक रहा है। टमाटर, बैंगन और आलू के छिलके हम अलग कर लेंगे। आलू को मैश कर लेना है, बैंगन को मैश कर लेना है और टमाटर को भी। अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्च, अदरक 1 टीस्पून, लहसुन 1 टीस्पून, 2 मीडियम साइज प्याज कटे हुए, 2 धनिया, अचार ये ऑप्शनल है। और इसमें जाएगा सरसों का तेल। दोस्तों सरसों का तेल ही डालें, इससे स्वाद बढ़ जाता है। करीब 1.5 से 2 टेबलस्पून नमक स्वाद के अनुसार। अब हम ये सारी सामग्री को मिला लेंगे। दोस्तों चोखा और फिलिंग दोनों में नमक थोड़ा हाईर साइड में रहेगा, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो लीजिए मस्त चोखा तैयार है। अभी हम एक बार चेक कर लेंगे कि बाटी हमारा कितना पक गया है। एक बार बाटी को पलट लेंगे।
दोस्तों बाटी सेकने का तरीका ये है कि 15 मिनट तक हाईएस्ट टेम्परेचर पे उसको सेकना है, पकाना है। उसके बाद 15 से 20 मिनट तक उसको मीडियम आंच पे यानी 150 डिग्री सेल्सियस पे करीब पकाना है। अभी हम चटनी बनाएंगे। चटनी बनाने के लिए आपको चाहिए एक छोटा टमाटर, 4 से 5 कलियां लहसुन, 1/2 इंच के करीब अदरक, 2 से 3 हरी मिर्च, धनिया, नमक और थोड़ा पानी। इसको हम पीस लेंगे। बीच बीच में देखते रहेंगे कि हमारी बाटी कितनी बन गई है। बाटी पकने की पहचान ये रहती है कि बाटी जो है वो आपका फटने लगेगा, बट ये हर केस में संभव नहीं है कि फटे ही तो ही हम मानेंगे कि पक गया है। एक बार चेक भी कर लेना है हाथ से छू के कि पक गया है कि नहीं। तो लीजिए दोस्तों, बाटी भी तैयार है। बाटी को हम घी में डाल देंगे। घी अच्छी तरीके से चारों तरफ से लगा लेंगे बाटी पे और अब सर्व करेंगे। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है बाटी चोखा। दोस्तों ये रेसिपी बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट इसमें सीखना है। जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमने काम किया है इस पूरे रेसिपी के दौरान, उसी तरीके से बनाएंगे, आपका टाइम बहुत कम लगेगा और स्वादिष्ट भी बनेगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारे लिए ये एक मोटिवेशन की तरह है।